सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम करकर धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं को गुर्जर बकरवाल समुदाय को दो हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवाल बनकर खड़े रहे। आने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन मतलब हम सब लोग सलामी करते हैं, मगर पूरे देश में एकमात्र क्षेत्र है पूंछ और रजौरी का जहां सिविलियन जो शहीद हुए हैं उसको भारत की सेना सलाम करती है। मित्रों, भारत की सेना सलाम। आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि गुर्जर बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। मैं आगे इसकी बात बताऊंगा। मित्रों, ये धारा 370-35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एमडी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। ये लोग जो हाय तोबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। मैं आज के लिए आया हूं। आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है। अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया और अब हमारी पहाड़ियों की है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए, मुझे बताओ भाई आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्र, मैं आप लोगों को कहूंगा,
जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है, ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे, उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं, आपके अधिकारों को ये तीन परिवारों ने अब तक आपसे छीना है। ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इतना वादा करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत।